नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों को लेकर आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हो चले हैं। चलिए सभी खबरों को एक एक विस्तार से देखेंगे। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस में डाल लेते हैं। लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जी, दो दिवसीय दौरे पर लालू प्रसाद यादव बिहार आए थे, जहां पर पहले लालटेन के लोकार्पण की जीप को चलाया और कई बड़े कार्यों को किया। साथ ही साथ जाते जाते उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला, क्या कुछ कहा विस्तार से बताएंगे। अगर अभी लालू प्रसाद यादव का समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही इस वक्त, दरअसल अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए सरकार पर एक बड़ा टिप्पणी किया और कहा कि हम गुलदस्ता लेकर चले हैं जिसमें नीले, हरे, पीले और सभी रंग शामिल हैं, यानी साफ तौर पर सभी पार्टियों के संकेत थे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, किसान आंदोलन नहीं होगा खत्म, किसान अभी जारी रखेंगे आंदोलन। किसानों ने साफ तौर पर सरकार की चिंताएं बढ़ाना शुरू कर दिया है। सरकार ने तीन काले कानूनों को वापस तो कर लिया, लेकिन अब सरकार को जहां किसानों से राहत मिलने वाली थी, वहीं किसानों ने सरकार से सरकार बात करने का सरल रास्ता अपनाया। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है मुकेश सैनी को लेकर के। मुकेश सैनी के वीआईपी पार्टी के एक नेता के निधन को लेकर के बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। एक बार फिर से बिहार के एक जो विधायक है उनके निधन हुई है, और निधन के बाद में एक जबरदस्त झटका बिहार की सरकार को लगा है। क्या कुछ बड़ी खबर है विस्तार से बताएंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अमेरिका के साथ साथ विभिन्न देशों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना के फिर से कोई बड़ा अपडेट और बड़ी जिया लहर ना आए, इसको लेकर के भारत सरकार पहले ही सतर्क हो जाना चाहता है। इसीलिए पूरे मुद्दे को लेकर सरकार ने गंभीरता से इस पर कार्य करना शुरू कर दिया। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अब बिहार में वाहन झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से आने वाले अस्थाई वाहनों का रहना मुश्किल हुआ। राजस्व की चोरी की जा रही थी, अलग अलग राज्यों से वाहनों को लेकर आया जा रहा था, जिससे टैक्स की प्राप्ति राज्य को नहीं हो रही थी और इससे नुकसान हो रहा था। इस पर अब बड़ी खबर। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, एक बार फिर से आज न्यूजीलैंड और साथ ही साथ हिंदुस्तान के टेस्ट मैच चले, और साथ ही साथ आज 4 विकेट हिंदुस्तान ने गंवा दिए। इसके साथ ही हिंदुस्तान एक अच्छा आपकुदारी स्कोर भी बनाया, लेकिन अब इस मैच के रोमांस को देखने के लिए दर्शकों की हुजूम आज फिर से देखी गई। बड़ी खबर, शादी और विवाहों में एक बार फिर से कोरोना ना बढ़े इसका संकेत मिल रहा है। नवंबर और दिसंबर महीनों में होने वाले शादी समारोहों में जमकर लोग कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों का धज्जिया उड़ा रहे, जिससे कोरोना के जिया फैलने का अंदेशा साफ तौर पर जगता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में बिजली मुक्त कहकर जहां आम आदमी पार्टी अपने शासनकाल को लागू करना चाहती है, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर बिजली बिल माफ करेंगे जैसे नारे को लेकर के उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब समेत सभी राज्यों में चुनाव लड़ने की अपनी पूरी तैयारी कर रही है। दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए कोर्ट का एक बार फिर से लगा सरकार को फटकार। सोमवार को होगी एक बार फिर से सुनवाई। मौसम के बिगड़ते मिजाज में लगातार वायु प्रदूषण दिल्ली यानी राजधानी में बढ़ने लगी है। लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है और लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई, संपूर्ण शराबबंदी वाले इस बिहार के अंदर लगातार लोगों की चिंताएं बढ़ रही है। जहां सरकार ने नए नियम के अनुसार सजाओं के प्रावधानों को बढ़ा दिया, तो वही सरकार के अधिकारी अब तैनात हैं। किसी भी जगह शराब ना मिले, इसकी पूरी चार चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके साथ सरकार संपूर्ण शराबबंदी पर लागू कर सके नियम। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कड़े और तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि 5 सालों में मुख्यमंत्री ने किया क्या है, यही बता दे। 5 साल जनता ने टाइम दिया, इसमें क्या है, किया क्या है। लेकिन इसी के साथ प्रियंका गांधी ने महिला वोटर्स को साथ लाने के लिए जबरदस्त नारे दिए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का भी नारा दिया।
बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ममता बनर्जी ने दिल्ली से जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी ममता बनर्जी मिल चुकी है। भाजपा ने कहा कि अगर ममता बनर्जी पीएम मटेरियल है तो पार्टी को करना चाहिए आधिकारिक जानकारी और सामने लाना चाहिए चेहरा। अगर सामने नहीं लाया जा रहा है तो अक्सर मुलाकात करते रहते हैं ऐसे राज्य के नेता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक और नए अपकरणीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। नए एयरपोर्ट के साथ अब वायु विमानों के उड़ान का तस्वीरें सामने आएंगी। हालांकि अब लोगों के राहत की तस्वीरें उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम बंद पड़े हवाई अड्डों को चालू कर दिया जा रहा है। फेसबुक और उस तमाम सोशल साइट्स पर शिकंजा कसने के लिए एक बार फिर से सदन में होगी सुनवाई। सदन में बन सकता है नया बजट पेश और साथ ही साथ सदन के अंदर इस नए मानसून सत्र में सुनवाई करने का सरकार का मूड है। सरकार अब फेसबुक और सोशल साइट्स को लेकर के बड़ा जिया कानून लागू करने वाली है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है एक बार फिर से अनाज लेने वाले लोगों के लिए यानी राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। कई राज्य के सरकारों ने मुफ्त राशन को देने का ही न्योता अभी तक रखा है। अभी जैसे कि दिल्ली सरकार घर घर तक राशन मुफ्त में पहुंचा रही है जिसकी शुरुआत कर दी गई है। बड़ी खबर, कोरोना के अब बच्चों का भी पड़ेगा वैक्सीन। बच्चों को वैक्सीनेशन का डोज दिया जाएगा क्योंकि वैक्सीन के नए परीक्षण के अनुसार कई देशों के अंदर बच्चों की वैक्सीन बन चुकी है। तो कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं उसमें नकेल कसने के लिए अब सरकार का एक और नया प्रावधान की शुरुआत कर दी गई। एक तरफ बीएसपी को जबरदस्त झटका लगा है। बीएसपी के तमाम बड़े नेताओं का साथ छोड़कर जाना बीएसपी के लिए मुश्किल का समय दिखा रहा है। बीएसपी ने अभी तक किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है और बीएसपी को यानी बहन आपको तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बड़ा कुछ होने वाला है। बड़ी खबर, चलिए एक एक सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों को देखने के लिए नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लालू प्रसाद यादव आज फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लालू प्रसाद यादव स्वस्थ नहीं रहते हैं इसलिए हमेशा उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ता है। उनकी कई प्रकार की बीमारियां हैं, वो किडनी से ग्रस्त है, किडनी की बीमारी है जिसके साथ लालू प्रसाद यादव को हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव बिहार आए थे तो उन्होंने तमाम अपनी पुरानी चीजों को याद किया था जिसमें लालू प्रसाद यादव की वो जीप भी शामिल थी जिसको वो कभी अपने राजनीतिक करियर में इस्तेमाल किए थे। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिल्ली के लिए रवाना होते हुए उन्होंने रास्ता तेज और तेजस्वी सरकार जैसे नारे दिए। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि लालू प्रसाद यादव के किए जाने के बाद में जो तेजस्वी की सरकार है और तेजस्वी की सरकार बनने की बातें हैं उसे किस तरीके से लिया जा रहा है। लेकिन अगर आप भी लालू प्रसाद यादव का समर्थन करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके छवि का दूसरा कोई नेता नहीं है, इस वीडियो को लाइक कर आप अपना समर्थन दर्ज करना बिल्कुल भी ना भूले। तो लालू प्रसाद यादव भले ही एक दिन के लिए आए लेकिन दो दिन के लिए आए और वो आकर नीतीश सरकार पर हमला ना बोले ये नहीं हो सकता। तो इसी को लेकर के आज उन्होंने एक ट्वीट किया रशों का तेज और आपको बता दें कि इस का मतलब साफ तौर पे था कि तेजस्वी पर वो बोलते हुए नजर आए तो ये एक बड़ी बात थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और सरकार से तीखे और बड़े सवाल पूछ दिए। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश सरकार से गंभीरता के साथ बड़े सवाल एयरपोर्ट पे पूछा और पूछा कि आपने दिया है क्या है, बेरोजगारी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है तो ये सरकार कर क्या रही है, सरकार के द्वारा समाधान करने जाने को लेकर अभी तक क्या कुछ किया गया है, इसको लेकर के बड़ा सवाल पूछा गया।
बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है समाजवादी पार्टी को लेकर के। समाजवादी पार्टी को लेकर अभी अभी एक बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। अब लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव सक्रिय हो गए हैं। सक्रिय रूप से राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने सरकार को लेकर के आड़ों हाथों पूरा निशाना साधना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि अखिलेश यादव अपने तमाम बातों के लिए हमेशा से चर्चा में रहते हैं। आज अखिलेश यादव ने जमकर भाषण दिया, योगी सरकार पर हमले बोले, योगी सरकार से सवाल पूछे और इसी का साथ उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए गुलदस्ता लेकर चला हूँ। गुलदस्ता उन्होंने इस तरीके से बताया कि गुलदस्ता जो है उसमें तमाम पार्टियां शामिल हैं, जो छोटे स्तर की पार्टियां उनको भी मैं शामिल कर चल रहा हूँ। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा का झूठा सरकार जो है इस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जो झूठी सरकार है इसका आप असर देख रहे होंगे। तो तेजस्वी यादव क्या अखिलेश यादव के समर्थन में जाएंगे, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाई भाई का नाता रिश्ता चलता है और एक तरफ जहाँ तमाम रिश्ते हैं वो नाते हैं, वहीं RJD अगर समर्थन करती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सरकार के बनने की और ज़्यादा चांस बनेंगे। एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ गई। इस वक्त लगातार कुछ दिनों से दिल्ली में बिगड़ते हालात और मौसम की अपडेट जानकारियां लोगों की चिंताएं बढ़ाती हुई जा रही है। लगातार मौसम के बिगड़ते मिजाज ने लोगों की चिंताएं जहां बढ़ाई है, वहीं सरकार की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगा और कोर्ट ने कहा कि सब कामों में ढिलाई बरती गई है, इसीलिए अभी तक इस मामले का निपटारा नहीं हो पाया। सरकार इस मामले का निपटारा करे या फिर एक बार फिर से सरकार इसका तमाम चीज़ों को लेकर के तैयार है। तो सरकार को लेकर आज बड़ा हमला बोला गया। सरकार पर हमला बोलते हुए साफ तौर पे कहा गया कि अब इस पे सब कुछ जिम्मेवारियां सरकार की थी, अगर सरकार इस पर कोई जिम्मेवारी नहीं उठाती है तो अब कोर्ट सोमवार को फिर से सुनवाई करेगा और इस सुनवाई में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कोर्ट एक बार फिर से इन मामलों में सुनवाई सोमवार को करेगा। मौसम के बिगड़ते मिजाज को लेकर और साथ ही साथ वायु प्रदूषण को लेकर के बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त लगातार कुछ दिनों से लगातार संपूर्ण शराबबंदी वाले इस बिहार में शराब का जमकर धज्जिया उड़ाया जा रहा है और यही कारण रहा है कि जिस तरीके से संपूर्ण शराबबंदी का धज्जिया उड़ा है तो अब विपक्ष के साथ साथ पक्ष दल के नेता भी सरकार से सवाल पूछने लगे हैं और सरकार पर वो सवाल खड़ा करते हुए सरकार से हिचकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही तो कारण रहा कि आज विपक्ष भी इस पर सवाल पूछने लगा। हालांकि तमाम लोगों के रह जाने के बावजूद भी अब एक तरफ सरकार की चिंताएं विपक्ष बढ़ा रहा है तो पक्ष भी बढ़ा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि संपूर्ण शराबबंदी वाले इस बिहार को और ज्यादा किस तरीके से सख्त किया जाता है, कड़वा किया जाता है, तो यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आपको हम सभी जानकारियां समय समय पर बताते रहेंगे। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। लगातार प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो वादा है, जो तमाम चीज़ें हैं उसको पूरा करने का ये प्रस्ताव शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पे उत्तम प्रदेश बनाना और महिलाओं को आरक्षण देना ये साफ तौर पे दावा करता है कि महज कुछ दिनों के अंदर प्रियंका गांधी ने अपनी छवि को जिस तरीके से बनाया है ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है और इसी चीज़ को लेकर वो आगे बढ़ती हुई जाना चाहती हैं। हालांकि इसको लेकर जो भी बड़ी अपडेट आएगी कांग्रेस को लेकर के या तमाम पार्टियों को लेकर के हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे, लेकिन आज लेते हैं हमारे शुद्ध बनेगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार से बोले भारत माता की जय।